हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल एंड वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ अपर रिंग बीम के बारे में, ओके, जो कि पार्ट नंबर 4 है इंटेज वाटर टैंक का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले The size of the ring beam may be taken equals to the 450 by 450. जो हम size लेने वाले हैं, the size of the ring beam may be taken as 450 mm by 450 mm. Okay? तो हम इसका consider कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा लोडिंग निकलेगा, ओके, जो हमारा पीयू निकलेगा वो कितना निकलेगा, टी मैक्स, ओके, इनटू कॉस थीटा मैक्स इनटू डी बाय टू। ठीक है, तो टी मैक्स जो हमारा है वो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में निकाला, जो हमारा निकला 50.54 इनटू कॉस ऑफ थीटा मैक्स जो है वो हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल में फर्स्ट पार्ट में निकला है 28.44 डिग्री इनटू 15 बाय 2। ओके, सो जो मेरा प्यू फाइनल जो इस कैलकुलेशन से जो मिले मुझे मिलेगा वो मिलेगा 334 किलो न्यूटन। तो ये मुझे मिल गया पीयू। ओके, नाउ उसके बाद जो एरिया चाहिए, ओके, द एरिया फॉर रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल स्टील वो रहेगा 334 जो भी मुझे मिला मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 1 मीटर के लिए डिवाइडेड बाय 0.9 इनटू 420 इज नथिंग बट जो हमने अभी सॉरी हाँ 420 ओके क्लियर कर माइनस करके तो ये मुझे मिलेगा 884 mm² पर मीटर। तो इसके हिसाब से इस एरिया के हिसाब से मतलब दिस इज फॉर एएसटी फॉर्मिंग, ओके, तो फार्मूला रहेगा एएसटी इक्वल्स टू पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ बार। तो इसके हिसाब से मैं यूज करूंगा 7 नंबर ऑफ बार एट 12 एमएम डाया। ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अभी दोस्तों इसी इंटेज वाटर टैंक में एक दूसरा जो स्टेप है वो है डिजाइन ऑफ कॉनिकल डोम, ओके, जो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। ठीक है, डिजाइन ऑफ कॉनिकल डोम, ओके, तो ये हमारा इंटेज वाटर टैंक का ही एक पोर्शन है। ठीक है, तो नाउ इसमें लेट द थिकनेस ऑफ द कॉनिकल डोम हम अज्यूम करेंगे, ओके, thickness of conical dome is equals to 300 mm। ठीक है, so जो हमारा total weight रहेगा conical dome के लिए, the total weight of tank wall and the top डोम, ओके, तो ये मेरा पूरा लोड का मेरा फार्मूला बन गया। तो ये कैसे बनेगा मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सो इज नथिंग बट इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू 2πRV, ओके, THT, ओके, इनटू गामा सी प्लस पाई TH, ओके, इन ब्रैकेट डी प्लस टी इनटू गामा सी। सो वी पुट ऑल द वैल्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 2 इनटू पाई आरवी के लिए। ये सारी चीजों के लिए आपको मेरा पार्ट नंबर 1 देखना पड़ेगा दोस्तों, ओके, विदाउट दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड तो फ्रॉम वेयर दिस वैल्यू यू आर गेटिंग। ओके, सो 2 पाई इनटू 15.75 जो कि आरवी की वैल्यू है, थिकनेस हम लेंगे हमने ली थी 0.1, ओके, इनटू 1.9, ओके, इनटू 23.55 प्लस पाई इनटू
0.3 into 5 into 15 plus 0.3 into 23.55. as per above formula मैंने यहाँ पे पूरी value put कर दी, जो मुझे answer मिला है that is equals to W equals to 2141 न्यूटन. ठीक है, तो ये मुझे मिल गया formula. ठीक है, so the height of cylinder is increased, okay, to give margin for beam. So the mera total W rahega, total weight of water on conical dome including freeboard but not including bottom dome. Okay, तो ये कैसे रहेगा, गामा W इनटू पाई बाय इनटू पाई बाय 4 इन ब्रैकेट डी स्क्वायर एच प्लस एच सी बाय 3 इन ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस डी इनटू डी बी ओके माइनस ऑफ डी बी स्क्वायर इन ब्रैकेट H plus HC bracket complete. Okay, this is what my overall formula for what the total weight of water I can write over here. मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा. Okay, so ये क्या है मेरा total weight of water. Okay, on conical dome including freeboard but not including the bottom dome. Okay, ये मैंने लिख दिया, तो अभी मैं इस सारी वैल्यू इसमें पुट करूंगा. तो W is equals to W is equals to gamma W into pi by 4 डी स्क्वायर, जो भी अभी मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया था तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे पूरा आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, अभी मैं फिर से लिखूंगा नहीं. ओके, तो वीडियो लेंदी हो जाएगा. तो डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू मुझे वैल्यू मिली है 5592 किलो न्यूटन, इतनी वैल्यू मुझे मिल गई. सो नाउ अभी उसके बाद मैं अल्फा निकालूंगा. ओके, अल्फा इज नथिंग बट इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट डी माइनस ऑफ डी बी divided by twice of HC is equals to tan inverse of 15 minus of 10 divided by 2 into 2.8. okay, so I get the value of alpha is nothing but 41.76 degree. okay, ye mujhe mil gaya alpha ki value. so uske baad jo main WS nikalunga, WS matlab kya hoga aapka, W is nothing but the self weight of the conical dome. Okay, so that is what nothing but equals to gamma C into small t into pi by 2 into D plus DB into HC divided by cos of अल्फा. सो इस हिसाब से मेरा डब्ल्यू एच जो मुझे मिलता है दैट इज बट नथिंग बट इक्वल्स टू 1041 किलो न्यूटन, ये मुझे डब्ल्यू एस मिल गया. ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है डब्ल्यू यू. डब्ल्यू यू नथिंग बट इक्वल्स टू 1.4 डब्ल्यू प्लस 1.4 डब्ल्यू एस प्लस 1.7 W W, जो तीन वैल्यू हमने निकाली थी, मल्टीप्लाई बाय 1.65 डिवाइडेड बाय पाई इनटू डी बी. ओके, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, मतलब W U इक्वल्स टू 1.4 इनटू W की वैल्यू है 2141. ओके, प्लस 1.4 इनटू W S की वैल्यू है 1041 प्लस 1.7 इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू है 5592. ओके, मल्टीप्लाई बाय 1.65 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10.
ओके तो मुझे W कितना मिला, नथिंग बट इक्वल्स टू 733 किलो न्यूटन पर मीटर, ये मुझे मिल गया W. ओके नाउ द मेरिडियनल थ्रस्ट, मेरिडियनल थ्रस्ट ओके दैट इज TC इज कैलकुलेटेड as below. Okay, so TC is nothing but equals to W upon cos of alpha. So if it is positive, it means ये आपका रहेगा किसमें, compression में, ठीक है, और फार और यूनिट रहेगा किलो न्यूटन पर मीटर. सो TC इज नथिंग बट इक्वल्स टू 733 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 41.76. ओके तो ये मुझे वैल्यू मिलती है 983 किलो न्यूटन पर मीटर. मैक्सिमम अप्लाइड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो कि रह गए वो दिखेंगे W बाय T से. तो W हमें मिला 983 डिवाइडेड बाय 300 हमारी थिकनेस है, तो ये मुझे मिला 3.28 मेगा पास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है. और अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कितने हमारे पास, इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.51 FC डैश. सो ये रहेगा अपना 12.75 मेगा पास्कल, ठीक है. तो कंपैरिजन ये अपने मैक्सिमम अप्लाइड है और अपने पास अवेलेबल इतना, इसमें वी आर सेफ, तो हमारा डिजाइन ओके. सो एज पर हमारा जो स्टील है जो कि मिनिमम है, दैट इज व्हाट नथिंग बट इक्वल्स टू 0.003 × 300 × 1000, सही मिला मुझे 900 ओके 900 mm² पर मीटर. ओके तो दोनों साइड पे हम हाफ हाफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. उसके बाद जो हुक टेंशन है वो भी निकालने के लिए आपको सेम फार्मूला यूज करना पड़ेगा. तो एच सी के लिए एच सी आपको यूज करना है, ये तो अभी हमने टेंसल के लिए निकाला. अभी हुक टेंशन निकालना है, तो हुक टेंशन का फार्मूला है 1.05 × 1.7 × γW एच प्लस गैमा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस 1.4 γC टी इंटू टेन ऑफ अल्फा डी एच सी माइनस डी माइनस डी एच वाई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एच सी. डोंट वरी मैं इसका एक शॉर्ट न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, ये बहुत ही लेंदी है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 1.65 है ओके 1.65 इंटू 1.7 इंटू 9.81 ओके इंटू 4.5 प्लस गैमा ओके डिवाइडेड बाय सॉरी दिस इज वाई नॉट गैमा दिस इज वाई ओके वाई कॉस ऑफ 41.76 प्लस 1.4 × 23.55 × 0.3 × tan of 41.76, ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई बाय 15 × 2.8 − 15 − 10 y डिवाइडेड बाय 2 × 2.8. सो मुझे जो एच सी मिला है फॉर y इक्वल्स टू 0, मतलब अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो मुझे एच सी मिलेगा 1354 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके तो मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा, मैं यहाँ पे इंटरेशन चेक करूंगा. अगर मैं एच सी की वैल्यू चाहिए मुझे जिसमें y में 1.4 पुट करता हूँ, पॉजिटिव 1.4 पुट करता हूँ, तो मुझे वैल्यू मिलती है 1451. एच सी की वैल्यू में अगर y में 2.8 पुट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 1419. ओके एच सी की वैल्यू अगर मैं y में पुट करूंगा 2.1 तो मुझे मिल रही है 1451
और एच एस सी की वैल्यू वाई इक्वल्स टू मैं 1.75 मतलब ये रैंडम वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, ओके 75 पुट करता हूँ मुझे मिलती है 1456, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है, इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है, बट इसमें हमें कम डिफरेंस आ रहा है, राइट। सो वी टेकिंग दिस वैल्यू एज अ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके okay? इसमें मैंने सिर्फ चेक किया कि मेरी इस रैंडम वैल्यू के साथ मैंने चेक किया कि मेरी कौन सी वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, ठीक है, सॉरी, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल स्टील इज नथिंग बट इक्वल्स टू एच सी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू एफ वाई, तो ये मुझे मिलता है 3852 mm स्क्वायर पर मीटर, ओके। और रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल की ऑन वन फेस कितना रहेगा, इसका डिवाइड बाय हाफ करेंगे, ठीक है, और ए एस मिनिमम जो है वो निकलता है 0.0060 इंटू 300 इंटू 1000, तो 1800 mm square, इतना मिनिमम रहना चाहिए और हमारा कितना है ज्यादा है, तो वी आर सेफ, ओके। तो वी आर सेफ फॉर दी अवर डिजाइन इज सेफ फॉर द कॉनिकल डोम, ओके। सो दोस्तों इन नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ सिलेंड्रिकल रिंग बीम के बारे में, ओके, डिजाइन ऑफ सिलेंड्रिकल रिंग बीम, ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तो प्लीज मेरा पार्ट नंबर 5 देखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।